आर्थराइटिस के नाम से ही लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि ये इतनी तकलीफदायक एक प्रॉब्लम है जिससे हजारों हजार लोग आज इंडिया में सफर कर रहे हैं। अगर यकीन माने तो हर 100 में से कम 4 लोग आज के डेट में ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह के आर्थराइटिस के दर्द से पीड़ित हैं या उनको पहले यह दर्द हो चुका है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रिमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में, जो कि आर्थराइटिस का सबसे खराब, क्रिटिकल और तकलीफदायक पेन होता है, जिसके अंदर आपके बॉडी के पार्ट्स जो है कई बार क्रिपल हो जाते हैं, आपका मूवमेंट बंद हो जाता है, जॉइंट्स पे इतनी ज्यादा सूजन हो जाती है कि दर्द से कराह निकल रहा होता है, आपका उठना बैठना बाथरूम तक जाना कई बार नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे टाइम में अगर पूछे तो बीमारी जाए उससे ज्यादा लोगों को इंटेंशन होता है कि किसी भी तरीके से मेरा ये पेन कम हो जाए, क्योंकि जहां पेन होता है वहां बहुत सारी रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हाथ पांव चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो रिमेटाइड आर्थराइटिस होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, आपके बॉडी के अंदर कुछ जेनेटिक कोड और मॉडिफिकेशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में जेनेटिक परिवार में पेरेंट्स को हो, उनके पेरेंट्स को हो, तभी होती है। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, एनवायरमेंट चेंज कारण हो सकता है, फ्री रेडिकल का डैमेज जो है वो हो सकता है, आपके बॉडी के अंदर जो आप सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन जाता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट टिश्यूज पे डैमेज कर देता है, जो कारण हो सकता है। आपका खान पान कारण हो सकता है, हाई स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का लेवल आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा हो, डिप्रेशन और एंजाइटी आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा हो, या प्रेगनेंसी के टाइम में जब आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। तो मिला जुला के बहुत सारे होते हैं जिसके वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इस आर्थराइटिस का सबसे जो इंपॉर्टेंट कहा जाए और सबसे जो दुखदायी पार्ट है वो है इसका पेन। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्थराइटिस के कुछ कैटेगरीज होते हैं, गाउट की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपको दर्द होता है, सूजन होता है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो ठीक हो जाता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल की प्रॉब्लम होती है जिसमें जिस जॉइंट में वो क्रिस्टल जमता है वहां स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, 2-4 दिन बाद आप ठीक करते हैं ठीक हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जिसमें आपको घुटनों और कमर में कटकट की कर की आवाजें आती हैं, थोड़ी बहुत सूजन होती है, एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयां लेते हैं तो ही ठीक हो जाती है, या आराम तो जरूर आ जाता है। विटामिन डी, कैल्शियम आप अपने डाइट में मैग्नीशियम इंटेक बढ़ाते हैं उससे भी आपको ठीक हो जाता है। लेकिन रिमेटाइड आर्थराइटिस, ये आरए आर्थराइटिस एक ऐसा आर्थराइटिस है जो कि इन सभी चीजों से कुछ भी ठीक नहीं होता, इन सभी से इनमें कोई फर्क नहीं आता। इसको ट्रीट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के खाने और कुछ स्पेशल टाइप का जब तक देखभाल नहीं होता तब तक ये आर्थराइटिस नहीं जाता है। तो मॉडर्न साइंस में भी जो दवाइयां दी जाती हैं वो सारे के सारे स्टेरॉइड बेस्ड मेडिसिन आपको दी जाती है, और कुछ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम दिया जाता है, कुछ प्रोटीन इंटेक करने के लिए दिया जाता है, दवाइयों के नाम पे यही दिया जाता है। क्योंकि जितना हमारा मॉडर्न साइंस आज डेवलप हो गया है उसके बाद भी रिमेटाइड आर्थराइटिस का 100% क्योर नहीं है। अब सवाल ये होता है कि जब मैं बात करती हूँ तो आपको हमेशा ही मैं कहती हूँ कि आयुर्वेदा का पर्सपेक्टिव सभी बीमारियों के लिए अलग है, और उसी तरीके से जो हमारा रिमेटाइड आर्थराइटिस होता है उसमें आयुर्वेदा का कहना है कि जब आपके बॉडी के अंदर बात मतलब कि हवा का दबाव बहुत ज्यादा हाई लेवल, एक्सट्रीम लेवल का जब बढ़ जाता है, तब जाकर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है और तब जाकर आपको ये पेन होता है। तो आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से पहला जो चेंज, आज मैं 4 चेंज बताऊंगी, उसी में 2 ट्रीटमेंट होगा और 2 चेंज होंगे। आयुर्वेदा कहता है कि पहला जो चेंज करना है आपको इस रोग को शरीर से निकालने के लिए है वो है पहला आहार और फिर विहार का चेंज। आहार में मतलब कि खान पान का चेंज। खान पान के चेंज में आयुर्वेदा ये कहता है कि आपको अपने डाइट में जैसे कि वॉलनट हो गया, अंजीर हो गया, उसके साथ सीड्स, कुछ सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इस तरह के सीड्स को अपने डाइट में शामिल करना है। हल्दी जो होती है, कच्ची हल्दी,
उसको अपने डाइट में शामिल करना है, जायफल को अपने डाइट में शामिल करना है। इन सभी चीजों का आप कहवा बना कर ले सकते हो, चाय बना कर ले सकते हो, सीड्स को रोस्ट करके आप खाने के साथ ले सकते हो। और कहता है आयुर्वेदा कि आपको आहार में एक और चीज करना है, वो ये कि रात को आपको नींद अच्छी आए। रात को नींद अच्छी आए इसके लिए बहुत जरूरी है कि सोने से पहले आपको एक कहवा ड्रिंक बना के पीना है। और वो ड्रिंक क्या है कि आपने डेढ़ ग्लास पानी को उबाल लीजिए, उबाल के गैस को बंद कर दीजिए, उसके अंदर एक मुट्ठी पुदीने का पत्ता डालिए, एक टुकड़ा दालचीनी का डालिए, एक चौथाई चम्मच नटमैग जायफल का पाउडर डालिए, और दो टुकड़ा जो है हल्दी और दो टुकड़ा जो है वो जिंजर, जो जिसको अदरक कहते हैं, उसको डाल के 10 मिनट के लिए उस पानी को छोड़ दीजिए। सारे सत्व जब उस पानी के अंदर आ जाएंगे तो सोने से पहले आप घूट घूट करके कहवा या चाय की तरह उसको पीकर अगर सोएंगे तो बात दोस्तों आपका कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। सुबह आपका मोशन और पेट भी साफ होगा, और जब आप सुबह उठोगे तो शरीर में जो स्वेलिंग हो जाती है, बिस्तर से जो सुबह को उठा नहीं जाता ऐसे लोगों को, जमीन पे पांव नहीं रखा जाता, इन सभी चीजों में आपको जबरदस्त फायदा पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो बिहार में आपको क्या चेंज करना है कि पहली चीज कि आपको सिकाई करनी है। सिकाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर नहीं पता तो आयुर्वेदा पढ़िए, चरक संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको सिकाई से बहुत फर्क पड़ता है। सिकाई करने के लिए आपने क्या करना है कि बर्फ ले लेना है और बर्फ का पानी, उसके अंदर पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद उसके अंदर एक मुट्ठी सेंधा नमक और एक मुट्ठी फिटकरी डाल दीजिए। इस तरह का सेम गर्म पानी बना लीजिए, गर्म पानी के अंदर भी सेंधा नमक और फिटकरी डाल दीजिए। एक बार गर्म पानी से सिकाई कीजिए, फिर एक बार ठंडे पानी से, एक बार गर्म पानी से, एक बार ठंडे पानी से, ये कीजिए। तो ये दूसरी आहार और बिहार मैंने बता दिया। अब हम आते हैं रेमेडी के ऊपर। जो ये भयंकर दर्द है, जिस दर्द के वजह से आपकी चीखें निकलती हैं, आप उठ बैठ नहीं पाते तो किसी को हाथ पकड़कर आपको वॉशरूम तक ले जाना पड़ता है, या आप कहीं बैठते हो तो आप खड़े खुद से नहीं हो पाते हो, लाठियों के सहारे से अगर आप चल रहे हो, तो जो मैं ये रेमेडी बता रही हूँ, इस रेमेडी से एक हफ्ते में इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसको करना लगातार आपको 90 दिनों से 120 दिनों तक, मतलब 3 से 4 महीने तक आपको लगातार ये रेमेडी करना है। अब दो रेमेडी में, पहला रेमेडी जो है वो खाने वाला बताऊंगी और दूसरा रेमेडी आपको लगाने वाला बताऊंगी। आपने आधा चम्मच गोखरू का पाउडर लेना है, आधा चम्मच मोरिंगा का पाउडर लेना है, और इसको गुनगुने पानी में मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके रोज रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ रात को लेने के लिए कि रात को कहवा भी और रात को ये भी, इसलिए कि जब आप सुबह को अगले दिन उठोगे तो आपको दर्द से बहुत ज्यादा आराम आएगा। इनको अच्छे से लेकर आपने रात में, उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद कहवा पीना है, ठीक है। ये हो गया आपका लेने वाला, जो कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल जो स्वेलिंग है उसको निकालने का काम करेगा ये कहवा भी और ये भी। अंदर में जो जिन जॉइंट्स के ऊपर जा कर ये जो एक लेयर सी बन जाती है और उसको थिक कर देती है, जिसकी वजह से इतना सूजन, इतना रेडनेस या इतना पेन होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। साथ ही ये क्या करता है कि बाय जिसको कहते हैं, जो बात की प्रॉब्लम होती है उसको भी एकदम से टोन डाउन कर देता है, जिसके वजह से आपकी तकलीफ जो है अगले दिन एकदम ही कम हो जाती है। अब आपको एक मसाज करना है, ये मसाज आपको 2 बार करना है और लगातार करना है अगर आपको अपने आर्थराइटिस से मुक्ति चाहिए तो। पहली चीज कि आपको लेना है 3 चम्मच कैस्टर ऑयल और 3 चम्मच ही लेना है आपको तिल का तेल। इन दोनों को पहले बहुत अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद ये एक स्पेशल मिर्च होती है जिसको केनी पेपर कहते हैं। ये केनी पेपर, यकीन मानिए, आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए इससे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन अभी तक नहीं है। किसी भी साइंस की बुक उठा लीजिए, किसी भी जर्नल को उठा लीजिए, किसी भी साइंटिस्ट से इसके बारे में पूछ लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, जहां भी करना हो सेटिस्फेक्शन पहले कर लीजिए, उसके बाद ही ये रेमेडी कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि ये इतना ज्यादा आर्थराइटिस को रिमूव करने में इफेक्टिव होता है। आपने क्या करना है कि केनी पेपर, ये 3-3 चम्मच दोनों तेल के अंदर
दो चम्मच केनी पेपर को मिक्स कर देना है, बहुत अच्छे से फेंट लेना है, और फेंटने के बाद जिस जगह पे भी आपको प्रॉब्लम है, जहां पे अर्थराइटिस का पेन आपको सबसे ज्यादा है, उस जगह पे लगा के राउंड राउंड घुमा के हल्के 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 आपको मसाज करना है। ये मसाज आपने दिन में भी करना है और रात में भी करना है, और मसाज करने के बाद आधे घंटे के लिए इसके ऊपर एक क्रेप बैंडेज को बांध देना है, सो दैट थोड़ी सी इसको गर्माइश मिल जाए और पेन आपका जो है तुरंत आपको आराम दे दे। आप जरूर इसको कीजिएगा, जितना रिसर्च करना हो इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, और फाइंड आउट में यही आएगा कि केनी पेपर और ये दोनों ऑयल जो हैं वो आपके आर्थराइटिस, स्पेशली रिमेटाइड आर्थराइटिस का जो पेन है उसको निकालने के लिए इससे इफेक्टिव और रामबाण इलाज अभी तक नहीं है। अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने पे, मेरे रिक्वेस्ट पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके दर्द में आपको कितना आराम आया। अगर आपको आराम आया तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिमेटाइड आर्थराइटिस के दर्द से परेशान हैं, दवाई खा खा कर थक गए हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, सूजन उसी तरीके से है, जलन उसी तरीके से है, रेडनेस उसी तरीके से है। ये रेमेडी को अपना कर वो अपने दर्द से खुद को हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं और आप उनके मुक्ति का कारण बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो का फायदा उठाइएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, वर्थ लगते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका तो कुछ खर्च नहीं होता लेकिन हमें बहुत सारा उससे मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये वीडियो जो है हम बनाते आपके लिए हैं, आपको फायदा हो इसके लिए बनाते हैं। और अगर आप वॉच नहीं करते हैं तो हम जैसे यूट्यूबर को तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत फायदामंद होगा। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।